आपका क्वेश्चन है फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सबसे पहला है एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। क्या होता है रियल नंबर्स के अंदर, क्या होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इज पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्या पाई जो है वो इरेशनल नंबर है? यस इट्स ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि जब आप 22/7 यानी 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा? वो नंबर आपका होगा 3.14285714714 and so on। That means it's not terminating non-recurring। तो हम इसमें लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और कहीं पर जाके रुक भी नहीं रहा है। देख रहे हो, कहीं पर भी ये रिकर भी नहीं कर रहा है और रुक भी नहीं रहा है। ठीक है, फिर आपका है इरेशनल नंबर्स कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। अगर हम बोल रहे हैं कि नंबर लाइंस के ऊपर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर्स के अंदर क्या होते हैं? दोनों रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इरेशनल नंबर कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो रियल नंबर के अंदर इरेशनल भी है, तो दैट मींस वी कैन रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। दैट मींस ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इट्स अ फॉल्स। ठीक है,